एक वो गजल है जगजीत या चित्रा सिंह की, शराब गुम शबाब गुम, इस वक्त हर चीज गुम है, बारिशों ने हशर नशर किया है। अभी हम सफेद चौंसे को एक्सपोर्ट किया करते थे, लोकल मार्केट में बेच रहे हैं, ये तो आप खुद देखें, इसमें बड़े मसाइल आए हैं। तो जो टेक होम आती थी वो सफेद चौंसे से आती थी, इससे पहले का जितना सीज़न है वो या सिंध में चला गया है जून में, और जुलाई में हमने कोई अच्छी मार्केटिंग कर ली कि मिनिस्ट्री ऑफ ये क्लाइमेट चेंज बनी हुई है वो है, ये इस पे रिसर्च करनी चाहिए और बताना चाहिए जिम्मेदारों को, वरना इसका हशर नशर हो जाएगा। मैंने उस दिन अस्सलाम वालेकुम, मेजर तारिक खान साहब के साथ हम खड़े हैं और फसी खान भी उनके साथ हैं, बरखुददार हैं और माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं आजकल। तो मेजर साहब बताएंगे क्या सूरत हाल है इस वक्त बागात की? राणा साहब एक वो गजल है जगजीत या चित्रा सिंह की, शराब गुम शबाब गुम, इस वक्त हर चीज़ गुम है, बारिशों ने हशर नशर किया है। अभी हम सफेद चौंसे को एक्सपोर्ट किया करते थे, लोकल मार्केट में बेच रहे हैं, ये तो आप खुद देखें, इसमें बड़े मसाइल आए हैं, इतनी लंबी प्रोलॉन्ग्ड बारिश है, ये वो क्लाइमेट चेंज का असर है जिस पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और यूनिवर्सिटी सोई हुई हैं भांग पी के। ये अगर इस पे रिसर्च करते और अच्छी एडवाइजेस देते तो आज इसके चैलेंजेस को मिटिगेट किया जा सकता था। तो मुश्किल हालात हैं, हमें तो जो टेक होम आती थी वो सफेद चौंसे से आती थी, इससे पहले का जितना सीज़न है वो या सिंध में चला गया है जून में, और जुलाई में हमने कोई अच्छी मार्केटिंग कर ली, अच्छा एक्सपोर्ट भी कर लिया, मगर जो मेन सीज़न था वाइट चौंसे का, जो कि वैल्यू ऐड करता है हमारी पूरी प्रोडक्शन को और टेक होम को, वो डिस्टर्ब हुआ है एंड इट हैज़ गॉन वेरी बैड दिस ईयर ड्यू टू एक्सेसिव रेन्स और बारिशें, तूफान, और उससे आम की क्वालिटी और कॉस्मेटिक लुक ख़राब हुई है। ये तो आपकी यूनिवर्सिटीज़ का कमाल है, आपके मिनिस्ट्री ऑफ ये क्लाइमेट चेंज बनी हुई है वो है, ये इस पे रिसर्च करनी चाहिए और बताना चाहिए जिम्मेदारों को, वरना इसका हशर नशर हो जाएगा। मैंने उस दिन अपने मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स को एक जूम मीटिंग में ये इंडिकेट भी किया है कि एक हमारी विंडो है इस आम के साथ, जो कि बड़ी एलेबरेटेड 2 महीने की विंडो है वाइट चौंसे के साथ, अगर वो क्लाइमेट चेंज की वजह से डिस्टर्ब हुई है तो आपकी गवर्नमेंट सोई हुई है, एंड ही 200% एग्रीड टू माई कॉमेंट, इस पर काम करने की ज़रूरत है। अगर आपकी ये क्लिप कहीं जाता है तो वहाँ भेजें जहाँ जिनको इस पर काम करना है। हम एज अ ग्रोअर, एज अ फार्मर तो अपना रिस्क भी उठा रहे हैं और जितना हो सकता है उसको कोशिश कर रहे हैं बेहतर से बेहतर सेल करें, मगर ये लोकल मार्केट का मैंगो नहीं है, ये एक्सपोर्ट का मैंगो है, इसका इतनी ख़राबी हो जाना ग्रोअर के लिए अनबेरेबल है। थैंक यू। और मेजर साहब इस वक्त माशाल्लाह बागात बहुत ज़्यादा लग रहे हैं और उसमें जो मैक्सिमम जो क्या कहते हैं उसकी है वैरायटी है वो सफ़ेद चौंसा और सिंधड़ी है, तो आप नहीं समझते कि हमें वैल्यू एडिशन पर काम करना चाहिए? देखें, वैल्यू एडिशन तो बहुत ज़रूरी है, इस पर काम होना चाहिए, ये प्राइवेट सेक्टर का काम है, वो पिकल्स वाले हैं, पिकल्स बनाएं, अचार बनाएं, इसमें जैम्स वाली कंपनीज़ हैं, पल्प वाली कंपनीज़ को लास्ट ईयर का स्टॉक इतना ज़्यादा था, इस साल उन्होंने पल्प का भी आम नहीं उठाया, तो ये डाइवर्सिफाइड मार्केटिंग करनी पड़ेगी, इसमें वैल्यू एडेड का बड़ा स्कोप है, इसमें काम करने की ज़रूरत है, और इसमें ड्राइड हैं, पल्प हैं, पिकल्स हैं, ये इन चीज़ों में अगर डाइवर्सिफिकेशन नहीं आएगी तो एक्सपोर्ट को तो आगे झटके ही लगेंगे, क्योंकि हम अभी IMF के ग़ुलाम हो चुके हैं और आमों में भी यही हशर होगा, यहाँ पे भी चमगादड़ आया हुआ है, वो खा रहा है बड़ा ह्यूज साइज़ का, तो ये मामला तो टेढ़े हैं, मेरा दिल दुखा हुआ है, मैंने शायद कोई सख्त तलख बातें की है तो मेरी माजरत उसमें जी। बहुत शुक्रिया,
फसी खान साहब, आप क्या कर रहे हैं आजकल? बस ए लेवल्स कर रहे हैं और अभी वालिद साहब के साथ लगे हुए हैं। अच्छा, तो इंशाल्लाह सीख लेंगे काम। काम सीख रहे हैं? जी जी। तो क्या सीखा है हमें भी बताएं। जी अभी तक तो यही एक्सपोर्ट वगैरह देखे हैं, तो इंशाल्लाह अच्छा। जब सीख जाएंगे तो फिर आपको बताएंगे।